कई सालों तक टीवी के एक सीरियल में काम करने के बाद वो शख्स अचानक से बिग बॉस के थ्रू हाईलाइट होता है और देखते ही देखते बॉलीवुड का सबसे बड़ा उभरता हुआ सितारा बन जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों की संख्या पूरी दुनिया में अचानक से बढ़ने लगती है। लोगों को पूरा भरोसा रहता है कि आने वाले कुछ सालों में वो शख्स बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में सबके सामने आएगा। लेकिन 2 दिसंबर 2021 जब उस शख्स की उम्र महज 40 साल की थी, हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर करने वाले सबसे बेहतरीन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की। आपने ध्यान दिया होगा कि एक बीमारी जो अक्सर बड़े बुजुर्गों के साथ होती थी, आजकल युवाओं के साथ भी होने लगी है। वो है हृदय संबंधित बीमारियां या फिर हार्ट अटैक। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि युवाओं में अचानक से हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ने लगे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये मेडिकल साइंस ने जिस नकली दिल का इजाद किया है, वो नकली दिल इंसानों के असली शरीर के अंदर कैसे काम करता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे प्रकृति के बनाए हुए असली दिल की जगह जब डॉक्टर नकली दिल फिट करते हैं तो वो बैटरी के थ्रू कैसे काम करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, हृदय जिसे हम दिल भी कहते हैं, वो हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है, जिसका सबसे बड़ा काम होता है हमारे खून के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना। वो अलग बात है कि आशिकों के दिल का काम कुछ और ही होता है और अक्सर छोटी मोटी बात पर वो टूटता भी रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से या फिर किसी दुर्घटना की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है जब इंसानों के दिल के साथ कोई समस्या आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो है असली हृदय के साथ साथ नकली हृदय को जोड़ना। एक ऐसा नकली हृदय जिससे बाहर से एक तार के जरिए करंट भेजा जाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से हमारे शरीर के अंदर धक धक की आवाज आती है। तो अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि वो नकली हृदय कैसे काम करता है। दोस्तों, नकली हृदय को आप सामान्य भाषा में आर्टिफिशियल हार्ट भी कह सकते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मैट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस भी कहते हैं। ये डिवाइस बिल्कुल एक पंपिंग मशीन की तरह होती है। जब हमारे हृदय में किसी खराबी की वजह से हमारा दिल ठीक तरीके से खून को पंप करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इसी आर्टिफिशियल पंपिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में हृदय के नीचे वीडियो में दिखाए गए तरीके से फिट किया जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल हृदय प्रकृति के द्वारा बनाए गए हृदय से पूरी तरह से अलग होता है, इसलिए इसे चलाने के लिए बाहर से करंट भेजा जाता है और मरीज के पेट पर चीरा लगाकर करंट भेजने के लिए पतला सा वायर उस आर्टिफिशियल हृदय तक भेजा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंदर आर्टिफिशियल हृदय है और वहां से एक तार निकलकर बाहर आया है जो एक बैटरी से जुड़ा है, और इस बैटरी से निकलने वाला करंट लगातार उस आर्टिफिशियल हृदय को धड़कने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इस तरह के मरीज को अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर वक्त बैटरी के डिस्चार्ज होने का भी ख्याल रखना पड़ता है और समय समय पर उसे बदलवाना भी पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इस तरह के किसी भी मरीज को हमेशा अपने साथ एक बैग लेकर चलना पड़ता है, जिसके अंदर उसके हृदय को चलाने वाले सभी एक्सटर्नल डिवाइस और बैटरी मौजूद होते हैं। ये सब सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, इस तरह के डिवाइस की मदद से कई लोग पिछले 10 से 15 सालों से अपने जीवन बिता रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा असली हृदय काम किस तरह से करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, हमारे हृदय यानी कि दिल का काम किसी भी तरह से प्यार, मोहब्बत या रिश्तेदारी को निभाना नहीं होता। इसका काम होता है हमारे शरीर के हर हिस्से में खून के साथ साथ ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो हमारे हृदय के मुख्य दो अंग होते हैं, जिनमें से एक होता है शिरा और दूसरा होता है धमनी। जैसे ही हमारा दिल एक बार धड़कता है तो हमारे शरीर में मौजूद खून, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो हमारे दिल में आ जाता है। उसके बाद धमनी के द्वारा उस खून को हमारे फेफड़े के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जहां पर हमारे खून में ऑक्सीजन मिल जाती है। जब हमारे खून में ऑक्सीजन नहीं होती तो उससे पहले उसका रंग गहरा लाल होता है, और जैसे ही फेफड़ों में जाने के बाद हमारे खून में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, और उस ऑक्सीजन मिले हुए खून को हमारा हृदय वापस अपने पास लाता है और धमनी के द्वारा हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों तक पहुँचा दिया जाता है।
खून के साथ अंदर मिला हुआ ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिका, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, जिंदा रहती है। यानी कि जिस ऑक्सीजन को हम अपने नाक के द्वारा वातावरण से खींचते हैं, हमारे हृदय का काम उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना होता है, और यही काम लगातार होता रहता है, लगभग एक मिनट में 70 बार से भी ज्यादा। अगर किसी दुर्घटना या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारा हृदय काम करना बंद कर दे तो हमारी जिंदगी वहीं पर थम जाती है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी हमारे हाथ पैर या फिर किसी भी जगह पर छोटी सी भी खरोंच लग जाती है तो वहां से खून बहने लगता है। दरअसल ऐसी छोटी छोटी खून की नलिकाएं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी लाखों करोड़ों नलिकाएं हमारे शरीर के हर एक छोटे से छोटे अंग तक जाती है, और वह सभी हमारे हृदय से जुड़ी होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो धमनी हमारे हृदय से खून को लेकर निकलती है वो नेशनल हाईवे है, और जो छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं उस खून को हमारे अंगों तक पहुंचाती है वो हमारे शहर और मोहल्ले की गलियां हैं। दिल्ली एम्स के एक डॉक्टर का कहना है कि बढ़ती उम्र दिल से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं की एक ऐसी वजह है जो हमारे हाथ में नहीं है। जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके शरीर में कई बीमारियां आ जाती है, लेकिन समस्या यह है कि आज के वक्त में 20 से 25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की समस्या आने लगी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। डॉक्टर बताते हैं कि आजकल ज्यादातर युवा 18 से 25 साल की उम्र में ही धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स की माने तो युवाओं की ये आदत उन्हें दिल से संबंधित बीमारियों का शिकार बना रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो युवक दिन भर में 6 से 8 सिगरेट पीते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज के ज्यादातर युवा पीढ़ी अपनी भूख मिटाने के लिए घर के खाने की जगह जंक फूड पर निर्भर रहते हैं। उनकी थाली में ज्यादातर तली भुनी चीजों के साथ चाइनीज फूड भी शामिल रहता है, जिसकी वजह से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और जिसका बुरा असर सीधा दिल पर पड़ता है। गलत खान पान से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने का काम करती है। बिजी लाइफस्टाइल और भाग दौड़ के चलते युवा आजकल अपनी डाइट को अनदेखा कर रहे हैं। भूख लगने पर वो बाहर मिलने वाले जंक फूड पर निर्भर रहने लगते हैं। लगातार घंटों काम करने और जंक फूड के सेवन का सीधा असर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है। ये वजह है कि कम उम्र में ही आजकल युवा ब्लड प्रेशर का शिकार बनते जा रहे हैं। और तो और, आज के युवा ये भी भूल चुके हैं कि उनके स्वस्थ शरीर के लिए नींद कितनी जरूरी है। नींद का दिल से गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। स्टडीज के मुताबिक तय समय से कम सोने पर हार्ट अटैक का खतरा 24% बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त नींद न लेने वालों में डिप्रेशन भी ज्यादा पाया जाता है। इन सब के साथ युवाओं पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो भी उनकी तरह ही बॉडी बनाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। पसीना बहाने तक तो ठीक है, लेकिन कई जगह जिम में युवाओं को हैवी न्यूट्रिशन लेने की सलाह दी जाती है। न्यूट्रिशन के चक्कर में युवा एम्बोलिक स्टेरॉइड जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। हाल ही में अगर आपने ध्यान दिया कि आज तक चैनल के एक बेहतरीन जर्नलिस्ट, जिनकी उम्र महज 40 साल थी, जिनका नाम रोहित सरदाना था, उनकी मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई। नोएडा में रहने वाले एक बॉडी बिल्डर जिसकी उम्र महज 23 साल की थी, उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई, वजह था स्टेरॉइड लेना। और 2 दिसंबर 2021 जब बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो गया। खैर, ये सभी तो ऐसे केस हैं जो हमारे सामने आ गए, लेकिन न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जिनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर्स बताते हैं युवा इस गंभीर बीमारी को एक्सरसाइज करके दूर रख सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो आज के तनाव भरे लाइफस्टाइल के चलते युवा पीढ़ी रोजाना एक्सरसाइज करके ब्लड फ्लो को ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा भोजन में प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। नशीले पदार्थों, बीड़ी, सिगरेट और शराब जैसी चीजों से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दूरी बना लें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी हृदय संबंधी छोटी से छोटी समस्या है तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दर्द एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।